साथियों नमस्कार, मैं हूं कालू माली। आप जुड़े हो मेरे चैनल से। साथियों ये तस्वीरें आपको मैं दिखा रहा हूं, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक बाड़मेर जो बाल मंदिर के सामने है वहां की तस्वीरें दिखा रहा हूं। और इस जो ये मुख्यालय का जो मुख्य गेट है, मुख्य गेट के बाहर लीलसर गाँव के लोगों ने धरना दिया है। धरना देकर इनकी क्या मांग है वो अपन इनसे बात करेंगे, पूरा मामला इनसे जानेंगे। वकील साहब पवन गिरी जी महाराज है जो वहाँ यहाँ पधारे है, एडवोकेट है बाड़मेर, वो भी यहाँ धरना स्थल पर पहुँचे हैं, तो इनसे भी बात करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको एक बार तस्वीरें दिखा लेता हूँ। वकील साहब भी यहाँ इनके साथ इनकी कुछ मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं, जो मैं आपको एक बार तस्वीरें दिखा लेता हूँ। कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जो ऑफिस है उसकी पूरी तस्वीरें देख लो, दिखा लेता हूँ। ये ग्रामीण भी बैठे हैं और ये ऑफिस का मुख्य गेट, जो मुख्य गेट के बाहर इन्होंने धरना दिया है। ये लीलसर, ये है पवारिया, पवारिया का तला, पवारिया तला लीलसर गांव के है। तो अपन इनसे बात करेंगे, पूरी पूरा मामला जानेंगे, क्यों दिया है इन्होंने धरना, इनकी मांग क्या है और कब से इनकी मांग है, कब से स्टाफ स्कूल में स्टाफ की कमी है और स्कूल में कितने बच्चे हैं और कितने बच्चे प्रभावित हो रहे हैं। तो अपन सबसे पहले वकील साहब से बात करें, ताकि क्या ये वकील साहब के घर से जो धर्म पत्नी है इनकी, वो जिला परिषद से सदस्य है, तो इनसे बात करते हैं। सर क्या मांग है और आज आपके ग्राम पंचायत के लोगों ने या ऑफिस के बाहर धरना दिया है? इसमें 350 की स्ट्रेंथ है इस स्कूल में और एक मात्र अध्यापिका है जो उसके सिर्फ उसका काम स्कूल खोलने तक ही रहा, बाकी पढ़ाने में तो अलग अलग क्लासें हैं, कहाँ से पूर्ण होगी। सभी अध्यापकों को यहाँ से तबादला हो गया, कोई भी विषय विशेषज्ञ अध्यापक नहीं है और बच्चों की पढ़ाई में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है और अर्धवार्षिक परीक्षाएं सिर पर है, इसलिए बच्चों को कोई भी अध्यापन कराने के लिए कोई भी अध्यापक वहाँ आज की तारीख में एक अध्यापिका के सिवाय उपलब्ध नहीं है। ये कौन सी सर स्कूल है? ये राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पवारिया का तला। तो स्टाफ की कमी कब से है? स्टाफ की नए सत्र से जुलाई से ही कमी चल रही है। काफी मांगे की जनप्रतिनिधियों को भी बताया, जो MLA साहब है उनको भी बताया, पर कोई आज दिन तक समाधान हुआ नहीं है। तो 350 बच्चे हैं, एक स्टाफ है, सिर्फ एक ही मैडम है। तो ये आपने कभी पहले कभी अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा है? करा चुके हैं आज धरने के, धरना भी दिया। और तो अब आपकी मांगे कितने दिन में मानने की आप चेतावनी दे रही हो? 7 दिन के अंदर इसमें किसी भी, या तो अगर संभव नहीं हो डेपुटेशन पर लगाएं, पर पढ़ाई तो सुचारू करावे ना। नहीं मांगे मानी तो आगे इससे आगे तालाबंदी करेंगे, अनशन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, जो भी लोकतंत्र प्रक्रिया में जो है उसमें हम सारे वो प्रयास करेंगे। ये पवन गिरी जी है और भी बात कर रहे हैं अपन, तो उससे पहले एक बार आपको और तस्वीरें दिखा लेता हूँ इन ग्रामीणों की। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हो, क्यों आए हो? मेरा नाम लून सिंह है, हम पवारिया तला तहसील चौटन से आए हैं कि हमारे राज्य की उस माध्यमिक विद्यालय पवारिया तला में एक अध्यापिका के भरोसे ही विद्यालय चल रहा है। वहाँ 3 चौकी स्टैंड है, 2 टीचर थे, एक लक्ष्मी नारायण जी, वो उसका ट्रांसफर हो गया, बाद में कोई स्टाफ नहीं है। MLA साहब को अवगत कराया, हमने तालाबंदी भी की, PO स्तर से हमें आश्वासन मिला, लेकिन अभी तक कोई स्टाफ नहीं मिला है। हम ये चाह रहे हैं हमें जल्दी से जल्दी स्टाफ दिया जाए, डेकोरेशन पे, ट्रांसफर से, जैसे ही हो सरकार हमारी मांगे पूरी करें, वरना हम 7 दिन के अंदर वापस तालाबंदी करवा के वहाँ लोक लगवाएंगे। बाकी कोई इलाज नहीं है, बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है और आने वाले समय में हमारे बच्चे कैसे आगे बढ़ेंगे, इसका कोई उपाय नहीं है कि सरकार के पास। ठीक है, धन्यवाद। तो साथियों ये कह रहे हैं, ये चेतावनी दे रही है प्रशासन को, जो ये शिक्षा विभाग का प्रशासन है, इनको 7 दिन की इन्होंने चेतावनी दी है। 7 दिन के अंदर कोई भी स्टाफ को नहीं भेजा तो वहाँ पर फिर से स्कूल के गेट पर तालाबंदी होगी, स्टाफ को अंदर नहीं जाने दिया जाएगा और 350 बच्चों के बीच में सिर्फ एक का स्टाफ है, एक टीचर है। अब कौन कौन कक्षा को पढ़ावे वो टीचर, तो इनकी भी मांगे भी वाजिब है। तो एक बार इस पोस्ट को शेयर कर दो साथियों फटाफट, ताकि क्या ये पोस्ट सभी अधिकारियों तक पहुँचे और जनप्रतिनिधियों तक पहुँचे, तो ताकि क्या है कि इनका जल्दी से जल्दी इनकी समस्या का समाधान हो जाए। तो जय हिंद साथियों, फिर मिलते हैं अपन नई वीडियो के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। जय हिंद जय भारत के साथ इस वीडियो को भी यहीं समाप्त कर रहा हूं मैं।
धन्यवाद। नहीं सर, और एक अध्यापिका है, 350 स्टैंड है, तीन परीक्षाएं हैं अभी बच्चों की पढ़ाई के लिए, ये आए हैं सब आपसे मिलने को, जल्दी से जल्दी कोई वैकल्पिक व्यवस्था हो, जैसे प्रतिनियुक्ति पे, प्रतिनियुक्ति पे एक बार सर, अगर पी क्षेत्र में सर है, गुजर तो नाम 12 घंटा 8 स्कूल है, एक ही है तीन डेपुट, एक कैंसिल वापस हो गया, तीन डेपुट से जुड़ा है वो, हम तीन अभी एक वापस हो गया।